हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल हॉप यू आर फाइन द मंथ ऑफ जनवरी स्टूडेंट्स द मंथ ऑफ जनवरी एंड टू फेस्टिवल्स आर दर इन मंथ ऑफ जनवरी वन इज़ फोर्टीन जनवरी एज़ उत्तरायण और मकर संक्रांति एंड ट्वेंटी सिक्स जनवरी आर आवर नेशनल फेस्टिवल वी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे फोर्टीन जनवरी जो कि आप लोग हम सब ने सेलिब्रेट कर लिया है उत्तरायण के रूप में स्टूडेंट्स आई नो कि आपने बहुत काइट फ्लाइंग की होगी ये डे बहुत एन्जॉय किया होगा बट डू यू नो वाई डू वी सेलिब्रेट उत्तरायण और मकर संक्रांति स्टूडेंट्स जो हमारे ऑलमोस्ट uh, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे इंडियन कैलेंडर के अनुसार तिथि जो हिंदी महीनों की जो महीना आते हैं हिंदी उसकी तिथि के अकॉर्डिंग हम सारे त्यौहार मनाते हैं जैसे दिवाली हमने मनाया कार्तिक की अमावस्या अमावस्या को फिर हमने होली मनाया पूर्णिमा पूर्णिमा फागुन मास की पूर्णिमा को जन्माष्टमी मनाई हमने ये जो आती है सावन श्रावण मास की या जो आता है भादो मास की अष्टमी को तो ऐसे सारे जो हमारे फेस्टिवल है वो हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग हम मनाते हैं बट ऐसा फोर्टीन जनवरी एक ऐसा डे है जो कि हम न्यूनर कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेट मनाते हैं अब क्यों मनाते हैं ये इसका रिलेट जो ये पर्व है जो ये फेस्टिवल है जो ये त्यौहार है सीधा रिलेट करता है सन को जो सन होता है आज के दिन जो सन होता है वो कर्क राशि से मकर राशि की ओर प्रवेश करता है मतलब कर्क राशि से वो मकर राशि की ओर जाता है सिक्स मंथ वो कर्क राशि में रहता है और सिक्स वो अब आज जो फोर्टीन जनवरी होता है वो दिन वो कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस दिन को हम हमारे इंडिया में बहुत सारे आ, हमारे जैसे एज यू नो कि वी आर हैविंग मेनी स्टेट्स इन अवर इंडिया एंड इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज कंट्री तो इसके जो अलग अलग हिस्सों में है इसको अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं फोर्टीन जनवरी को जैसे हम वहाँ पे मनाते हैं पंजाब में तो एक के रूप में मनाते हैं ये फेस्टिवल्स एक सीधा हमारे जो किसानों की फार्मिंग्स है उसके ऊपर भी ये सीधा रिलेट करती है कि इस दिन हार्वेस्टिंग होती है कई जो फसलें होती है वो कट के तैयार हो चुकी होती है तो इस डे को हार्वेस्टिंग डे भी कहा जाता है तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप से और बहुत उत्साह से इसको मनाया जाता है अब गुजरात में हम इसको हम उत्तरायण बोलते हैं और लोग छतों पे जाते हैं काइट्स उड़ाते हैं आप लोगों ने भी काइट उड़ाई होती है गुड़ और तिल का दान करते हैं और कोई लोग अच्छे अच्छी हॉली रिवर्स में स्नान करते हैं तो ये दिन का एक अपना ही महत्व होता है तो आई नो कि यू नो एंड बट यू जस्ट एन्जॉयड द काइट फ्लाइंग डे एंड नाउ यू नो मोर अबाउट दिस डे कि वाई डू वी सेलिब्रेट उथ चलिए ये तो हो गई हमारी जनरल बात अब हम करते हैं एकेडमिक सेशन के बाद जो हमारा पिछला सेशन था वो था लिटरेचर पार्ट के ऊपर आधारित था आज हम वापस लेते हैं ग्रामर ग्रामर का जो सेक्शन है ग्रामर का एक टॉपिक लेते हैं और टॉपिक का नाम है कंजक्शन कंजक्शन यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन कंजक्शन स्टूडेंट्स जस्ट टेक वन पेपर

जब टू सेंटेंसेस को हमको जॉइन करना है टू फ्रेजेस को हमें जॉइन करना है या टू वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है तो वी आर यूजिंग कंजक्शन तो कंजक्शन को सेकेंड uh, uh, जो बोलते हैं उसको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं और जॉइनिंग वर्ड्स बहुत सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं इंग्लिश सेक्शन uh, में और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे कंजक्शन हैं सो so, उसको अलग अलग सेंटेंस में उसको अलग अलग तरह से उसका यूज़ होता है तो कंजेंशन मीन्स

तो ऐसी आ, बहुत सारे जो कंजक्शंस हैं इफ बट ऑल दो अनलेस विच यट अंटिल वट एवर हु दैट सिंस ये दे ऑल आर कॉल्ड कंजक्शन ठीक है सी माइक इज टॉल टॉम इज शॉर्ट अब हमें इस कंजेक्शन से, से हमें इसको ज्वाइन करना है तो माइक इज टॉल बट टॉम इज शॉर्ट माइक लंबा है परंतु टॉम क्या है छोटा है तो ये टू सेंटेंसेस थे हमारे पास माइक इज टॉल एंड टॉम इज शॉर्ट ठीक है बट हमें इसको कैसे करना पड़ेगा माइक इज टॉल बट टॉम इज शॉर्ट तो बट हियर जॉइनिंग वर्ड्स तो बट इज़ हियर कंजक्शन तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है जो कि टू सेंटेंसेस को जॉइन करता हूँ सी हम उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज टू कनेक्ट वर्ड्स फ्रेजेस और क्लास देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शंस कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टूडेंट्स जो कंजक्शन uh, है वो थ्री टाइप्स के होते हैं सबसे पहले होता है कॉर्डिनेटिंग नो कॉर्डिनेटर का काम क्या होता है दो जो होते हैं ना कोऑर्डिनेटर तो मतलब जो कोऑर्डिनेट करता हो जैसे समझो कि हमारे स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर है उनका क्या काम है कि आपके पेरेंट्स को और आपको और आपके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करना जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको किससे करते हैं कॉर्डिनेट आपके पेरेंट्स से तो वो होते हैं कोऑर्डिनेटर तो ऐसे कंजक्शन में एक कोऑर्डिनेट होता है कि जो दो सेंटेंस को जॉइन करता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन लाइक विथ लाइक

फैन बॉयज ओके आप उसको याद करने के लिए एक जिस माइंड में आप लिख एक रख लीजिए जो मैनमोनिक होता है फ़ैन बॉयज़ यू नो कि जब हम रेनबो के नंबर तो हम विफ गे और ऐसा कुछ याद करके रखते हैं तो फैन बॉयज आप याद कर रखोगे तो वो सेवन जो आपके कंजेक्शन है वो आपको याद रहेंगे नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कन्जेक्शन्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन कैसे होते हैं वो टू मैन क्लॉज को जॉइन करते हैं जैसे एल्दो बिकॉज इफ सिंस अलेस एंटिल एंड फाइल जैसे मेरे को लिखा कि आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल मैं स्कूल नहीं आ सकती हूं बिकॉज आई एम इल तो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया ठीक है मैन सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करना है इफ आई वर ए किंग इफ आई वर ए किंग तो आपको कोई भी विश यदि इफ का मतलब होता है यदि मैं ऐसा होता है ना यदि इफ आई विल कम टूमोरो आई विल ब्रिंग दिस तो इफ टू सेंटेंस टू क्लॉज को उन्होंने ज्वाइन किया है अनलेस मतलब बिकॉज मतलब क्योंकि इफ मतलब यदि सिंस सिंस अनलेस मतलब तक अनलेस और अनटिल मतलब अन्यथा नहीं तो एंड वाइल मतलब जो कोई भी काम जो काम का ड्यूरेशन है ना वाइल्ड प्लीज़ डोंट टॉक वाइल्ड द वाइल क्लासेज आर गोइंग ऑन तो वाइल मतलब जब ठीक है तो इनका सब जो कंजक्शन है उनका सबका अलग अलग तरह से अलग अलग आ, यूज होता है अलग अलग सेंटेंसेज में इनको हम यूज करते हैं अब नेक्स्ट इज कॉ रिलेटिव कंजक्शंस कॉरेटिव कंजेक्शंस आर यूज इन पेयर्स टू जॉइन अल्टरनेटिव और इक्वल एलिमेंट्स द मोस्ट कॉमन पेयर्स आर इक्वल और सॉरी इधर और इधर नॉर या तो इधर आई विल ईट ब्रेड और चपाती या तुम ये खाऊंगा और या ये खाऊंगा निधर नॉर मतलब नहीं तो ना तो वह डॉक्टर है निधर ही इज डॉक्टर नॉर इंजीनियर तो मतलब वह कोई और वह डॉक्टर है और ना वह इंजीनियर है तो वह कुछ और ही है तो ये होता है कॉरेटिव इंजेक्शन सो now you just see easy examples of conjunction. the comment was blunt but effective. the conjunction joined two adjectives. okay, students. familiarity breeds contempt and children. the conjunction joined two nouns here, contempt and children. see, now subordinating conjunctions. कि जो है आफ्टर एल दो एज एज लॉन्ग एज सो वी आर हैविंग जस्ट रीड दिस ऑल द या टेक वन ग्लिम्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेटिंग सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन्स स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड फिफ्थ है उसके अंदर ऑलमोस्ट जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उसी आ, हम लोग उसी को ज्यादा पढ़ाया जाता है फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में लेकिन अब जैसे जैसे बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो इन ये स्टडी वास्ट होती जाएगी और आपको आ, इसको विस्तृत में पढ़ना पड़ेगा सी सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन अब ठीक है सी मेन दिस कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन होता है वही पढ़ाया जाता है फॉर एंड नॉर बट आर यट एंड सो फॉर आई हैव टू फाइंड ए न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड एंड आई हैव वन डॉग एंड थ्री लव बर्ड्स नॉर निदर मार्क नॉर मेरी वेयर टू neither mary were at the school yesterday but i go to work on sunday but i don't go to work on saturday i go to work on sunday or does clark's have any brother or sister or matlab yeah yet matlab yadapi i really wanted my son to study at university yet he left the school परंतु येट का यद्यपि ये सो so, मतलब इसलिए देर फॉर माई डॉटर इज वेरी स्मार्ट सो एवरीबडी लाइक्स हर मेरी डॉटर बड़ी स्मार्ट है इसलिए सो फॉर मतलब बिकॉज एंड मतलब इन एडिशन टू नॉर मतलब एंड नॉट बट हाउ एवर और इधर येट बट सो देर फॉर तो so स्टूडेंट्स ये हम एंड uh, और इसका जो बट वी कैन यूज दिस कंजक्शंस मेनी टाइम्स सो एंड सी ए टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन इंग्लिश सी दिस पिक्चर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज़ बस यू हैव टू रिमेम्बर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस फैन बॉयज ओके हमको इतना ही याद रखना है कि हमारा जो कंजक्शन है हमें फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ही पढ़ना है तो हमें सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हाँ बट वी नो कि कितने प्रकार के होते हैं तो हम जस्ट हमें पता होना चाहिए यू शुड नो कि कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कॉरिनेटिव बट जो हमारा स्टडी रहेगा वो सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन ही रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर सो so, जो होता है ना कि इसका एक इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया जाता है तो ये कंजक्शन जो होता है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे जब हमारी लाइव क्लासेस होगी तो हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको कंजक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स ठीक है कंजेक्शन्स आर ज्वाइनिंग वर्ड्स दे आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंजक्शन क्या है ज्वाइनिंग वर्ड्स है और वो किस को ज्वाइन करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सिर्फ वर्ड्स को वो ज्वाइन करते हैं तो आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज कंजक्शन मतलब कंजक्शन यदि पूछे जैसे एडजेक्टिव कैसे है हम एडज नाउंस नैमिंग वर्ड

इन आवर लाइव क्लासेस यू जस्ट ज्वाइन लाइव क्लासेस क्योंकि हम लाइव क्लासेस में इसकी सारी हम एक्सरसाइज लेने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज कंजक्शन थैंक यू